तो hey guys, welcome back to my YouTube channel guys. Thank you so much for watching this video guys. तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं WWE 2K23 का बहुत सारा फिर से ढेर सारा न्यूज एंड कुछ रूमर्स आ रहे हैं. तो इसको आप लोग मैं बोलूंगा कि इसको आप लोग 70% मान के चल सकते हो, ठीक है. और इसमें से तो बहुत सारे ऐसे सोर्स है कि जिसको आप लोग 100% मान के चल लो, बिकॉज जो सोर्स है गाइज वो ऐसा सोर्स है कि उस सोर्स ने पिछले 2K22 का पहले DLC रिवील कर दिया था कि कौन होने वाले हैं. तो उसी सोर्स से गाइज उन्होंने फिर से इन्फॉर्मेशन दिया. तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे को मिलकर आया मैं बताने वाला हूँ आज आप लोगों को. अपडेटेड सुपरस्टार्स, कौन कौन से न्यू सुपरस्टार्स ऐड होने वाले जो हम लोगों को नहीं पता है पहले से, जो मैंने बताया उसको भी, और जो नए आने वाले वो भी. साथ ही साथ कवर स्टार तो उन्होंने कन्फर्म ही कर दिया, तो कवर स्टार तो आप लोग आज मैं बता ही दूंगा कन्फर्म कौन है. एंड साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि बैक स्टेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आया एंड यूनिवर्स मोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आया है. तो यूनिवर्स मोड को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा मेजर अपडेट है उसमें, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स जो है उसके लिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी. तो मैं एक सीरीज की तरह उसको कवर कर दे रहा हूँ. तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपना चश्मा पहन लेते हैं, अपना 2K23 का चश्मा. तो चश्मा उन्हें लगा लिया गाइस और अब हम लोग बात करने वाले गाइस. सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ क्या आने वाला. तो गाइस लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से सुपरस्टार्स आने वाले हैं जो हम लोगों को पता है और हम लोगों को जो नहीं भी पता था. दो सुपरस्टार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ, बताता हूँ. सबसे पहले तो गाइस हिटरो, आप लोग बताओगे जो फैक्शन है हिटरो वो आने वाला है, कंफर्म होता जा रहा है यहाँ पर कि हिटरो आने वाला है, ठीक है. और ये उस सोर्स की तरफ से आ रहा है गाइस जिसने पहले 2K22 में पूरा DLC को रिवील कर दिया था और वो 100% करेक्ट है. इलिया ड्रैगनोव आने वाले हैं, वोल्टर आने वाले हैं, उन्होंने 2K22 के बारे में बता दिया था पहले ही. साथ ही साथ आने वाले अपडेटेड मॉडल उनका गंथर का आने वाला अपडेटेड मॉडल, ठीक है. मैं सुपरस्टार के साथ साथ उनका मॉडल के बारे में बताऊंगा. हिटरो आ रहे हैं, गंथर आ रहे हैं जिनका नाम पहले 2K22 में वॉल्टर हुआ करता था, बट अब 2K23 में गंथर नाम से अपडेटेड विथ पूरा उनका बॉडी भी अपडेटेड आएगा. साथ ही सोलो सिकोवा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. पींड भी आने वाले हैं, ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था, वीडियो में देखा नहीं होगा तो देख लेना. एंड साथ ही साथ गाइस टोनी दी एंजेलो आने वाले हैं NXT से, और भी कुछ NXT के फीमेल सुपरस्टार्स भी हैं, ठीक है, आने वाले, उन्होंने ऐसे ही बताया. एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज आने वाले हैं दो सुपरस्टार जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था. सबसे पहले गाइज नाम लूंगा मैं ब्रॉन ब्रेकर का कि वो आने वाले हैं 2K23 में, ठीक है. एंड वीर महान, और बताओ ये है कि नहीं गुड न्यूज. वीर महान एंड ब्रॉन ब्रेकर ये दो सुपरस्टार्स गाइज 2K23 के लिए आने वाले हैं, ठीक है. लेकिन ये जो सोर्स है उन्होंने खुद भी ये बोला है कि देखो मैं बता तो रहा हूँ पूरा 100% करेक्ट, मेरी तरफ से क्रेडिबिलिटी है कि ये सही है, बट फिर भी मेरी बातों को आप एटलीस्ट 90% तक लेकर चल सकते हो. क्या पता कि बैक स्टेज में कुछ चेंज हो जाए 2K23 में ऐसा, लेकिन जहाँ तक उन्होंने बोला कि ऐसा होगा नहीं बिकॉज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रीवियसली मैंने बताया था. तो मेरे हिसाब से वीर महान एंड ब्रॉन ब्रेकर ये दो जगह सुपरस्टार सही मान जाते हैं, 90% उनका कहना है. तो मतलब इतनी खुशी मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा. साथ ही साथ आने वाले गाइस टॉक्सिक अट्रैक्शन, तो मैंडी रोज एंड उनके दो पार्टनर्स वो सब जाने, तो मैंडी रोज स्टिल इन द 2K23, तो सैड नहीं होने का. एंड गाइस उन्होंने कुछ अपडेटेड सुपरस्टार्स का भी नाम बताया कि सैमी जेन को पूरा अपडेट किया जाएगा, जैसे कि सैमी जेन 2K22 में शॉर्ट हेयर है, तो अभी जैसे ब्लड लाइन माने के बाद कैसे सैमी जेन का अपडेटेड मॉडल आ गया कि बाल लंबा लंबा दाढ़ी बड़ा बड़ा, तो वो आने वाला है. दूसरा चीज अब क्रॉस को भी अपडेट कर दिया जाएगा, कैरिंग क्रॉस को भी अपडेट किया जाएगा. एंड ऐसी उन्होंने ये भी बताया कि और अभी रिसेंटली ये भी पता चले कि सबको कहीं ना कहीं, ठीक है, हर एक सुपरस्टार्स को कहीं ना कहीं एक स्किन टच दिया गया है, साथ ही साथ न्यू हेयर्स कहीं ना कहीं ये सब दिया. तो ये अभी एक रिसेंट आया है उनकी तरफ से खबर कि हर एक सुपरस्टार्स को ओवरहॉल किया गया है, छोटा छोटा टचेस किया गया कहीं ना कहीं, ठीक है. किसी का लुक्स में चेंजेस है, जिसका लुक्स चेंज होने की जरूरत है उसको लुक्स का चेंज, जिसका हेयर बड़ा होना चाहिए उसका बड़ा होना चाहिए हेयर, जिसका शॉर्ट है उसका शॉर्ट, मतलब फुल्ली अपडेट किया गया है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि न्यू पिन सिस्टम आने वाला है. न्यू पिन सिस्टम के लिए मैंने बताया कि क्यों ऐसा होने वाला है, न्यू पिन सिस्टम क्यों आ रहा है. तो बात ये है गाइस कि न्यू पिन सिस्टम 2K22 का पिन सिस्टम आपने देखा होगा जो बटन स्मैशिंग वाला पिन सिस्टम है, उसमें क्या था कि अगर आप कंट्रोलर्स में जो टर्बोज होते हैं टर्बो आप ऑन कर दोगे तो आप तुरंत ईजिली जीत जाओगे. लाइक वो ऑटोमेटिकली ऐसा ले लेता है कि इनपुट ले लेता है कि रैपिडली प्रेस हो रहा है बटन, उसको बोलते हैं टर्बो मोड, ठीक है. तो वो सबको मतलब अवॉइड करने के लिए और गेम में वो फन एलिमेंट वापस लाने के, थोड़ा गेम का डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए उन्होंने पिन सिस्टम को एक मेजर अपडेट दिया है, समझ रहे हो. पिन सिस्टम को इज अ मेजर अपडेट, पिन एंड सबमिशन इज गोइंग टू बी अ मेजर अपडेट. उन्होंने बताया कि यू विल गाइज लव इट जो पिन सिस्टम है मेजर अपडेट. 2K23 में बहुत सारे मेजर अपडेट है. साथ ही साथ उन्होंने बताया गया कि कैसे RK Bro का जो एंट्रेंस था गाइज, RK Bro, ठीक है, RK Bro का जो एंट्रेंस था वो 2K22 में कहीं ना कहीं मतलब ग्लिच था या क्या बोलो आप लोग, अपडेटेड नहीं था, वो जेनरिक था एक तरह से, मतलब RK Bro का नाम तो है बस लेकिन वो वहाँ पर यूज़ नहीं होता है. तो 2K23 में इसको अपडेट किया जाएगा. एंड RK Bro का एंट्रेंस उन्होंने बोला कि बहुत ही ऑसम होने वाला है. एंड RK Bro एंट्रेंस आएगा, आप लोग एकदम एक्साइटेड हो जाओ बिकॉज RK Bro का एंट्रेंस उसमें होने वाला है.
साथ ही उन्होंने ये उनसे एक क्वेश्चन ने पूछा कि अच्छा रैंडी ओटन शेव में आई है क्या, रैंडी ओटन शेव, उन्होंने बोला कि रैंडी ओटन शेव के साथ साथ बहुत सारे रैंडी ओटन के ऐसे मॉडल्स आने वाले हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे एंड इट विल बी सो इंटरेस्टिंग टू सी रैंडी ओटन डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट मॉडल्स। तो ये तो है कि रैंडी ओटन का डिफरेंट मॉडल्स आने वाला है, ठीक है। दूसरा चीज़ गाइस, उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, मैं सब बता दे रहा हूँ आप लोगों को। उन्होंने ये बताया कि ये जो फोटो है, जो मैं आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूँ अभी, इस फोटो में जितने भी आपको सुपरस्टार्स दिख रहे हैं ये सब के सब 2K23 में रहने वाले। सेंटर आप देख सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर है एंड बाकी एनएक्सटी सुपरस्टार मैंडी रोज हैं ऑल, और बाकी एनएक्सटी के फीमेल सुपरस्टार्स एंड मेल सुपरस्टार्स भी है। तो ये सब के सब रहने वाले, इनका ये दावा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कवर स्टार कौन रहने वाले। इन्होंने बोला कि जो आप रूमर सुन रहे हैं अभी कि क्या बोलते हैं कि ब्लड लाइन एडिशन होने वाला, ये रूमर जो है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इसमें सच्चाई है एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये भी ट्रू है। मतलब उनके हिसाब से क्या वो बोल रहे हैं कि ब्लड लाइन एडिशन ही होने वाला है, जैसे 2K22 में NW4 लाइफ एडिशन था उस तरह इस साल 2K23 को हैवली फीचर किया जाएगा ब्लड लाइन एडिशन को लेकर। साथ ही साथ कवर स्टार में अगर आप लोग, उन्होंने बोला कि कवर स्टार अगर आप लोग को लग रहा है कि कोडी कवर स्टार में नहीं है तो आप लोग बहुत गलत सोच रहे हो, बिकॉज कोडी रोड्स इज गोइंग टू बी द कवर स्टार एंड दैट्स अ फैक्ट गाइस। क्योंकि ये सिर्फ एक सोर्स से नहीं आ रहा, ये कहीं नहीं जाने कितने सोर्स से, मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियोस में भी, किसी लीकर ने, किसी उसने, किसी किसने, मतलब प्रो रेसलिंग है, हर जगह से गाइस यही खबर आ रही है कि कोडी रोड्स कैन बी द कवर स्टार। बट यहाँ पर एक क्या चीज़ है, कोडी के साथ साथ बियांका ब्लेयर का भी नाम जुड़ रहा है कि बियांका ब्लेयर कैन ऑल्सो बी द कवर स्टार, मतलब कि फीमेल फीमेल और मेल दोनों के साथ, जैसे 2K20 में रोमन एंड बेकी थे उस तरह का हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आप लोगों का क्या थॉट्स है कवर स्टार को लेकर मेरे को बताना मत भूलना। एंड इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसको लेकर अब मैं 95-99% श्योर हो गया कि कवर स्टार कोडी रोड्स एंड बियांका होगी। बियांका नहीं भी होगी तो कोडी तो 100% श्योर मैं जा रहा हूँ कि कोडी इज द कवर स्टार। साथ ही साथ अपने ब्लड लाइन एडिशन में अपना रोमन एंड सर द ट्राइबल चीफ का पूरा ब्लड लाइन रहेगा, बिकॉज गाइज एक तरह से अगर आप लोग थोड़ा सा सोचोगे कॉमन सेंस से तो एडिशन गाइज वैसे होता है जो फैक्शन था, जैसे कि 2K22 में 4 बंदों का एडिशन था ना, NW4 लाइफ एडिशन में क्या है 4 बंदे थे, समझ रहे हो ना, जैसे हल्क होगन हो गए, केविन नैश हो गए, एक्सपैक हो गए एंड तो ये हुआ ना 4 बंदे ऐसी। तो इसी तरह ब्लड लाइन में हमारे गए सोलो सिकवा हो गए, रोमन एंस हो गए, जेउस हो, जिमी हो, ऐसे करके हम लोग 4 यहाँ कर ब्लड लाइन एडिशन। तो ये अब आप लोग भी सोचोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पॉइंट लगे कि बात तो ये सही है। साथ ही साथ इन्होंने फीड का भी नाम लिया कि फीड भी आने वाले हैं 2K23 में। तो मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि लीकर ने भी लिख किया था कि फीड का पूरा कतई DLC आने वाला है, ये नहीं पता कि पूरा DLC में आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं मालूम उनको, लेकिन फीड भी आ सकते हैं ये पता है। वीरमान के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया वैसे, एंड इंडियन सुपरस्टार्स आते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होता है। एंड गाइस मैं और आप लोगों को बताता, मेजॉरिटी ऑफ द अपडेट्स और भी आए हैं, छोटे छोटे टचेस आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरऑल नहीं हुआ ग्राफिक्स, बट हाँ ग्राफिक्स अच्छा है पहले से। एंड गाइस उन्होंने ये एक लाइन लिखा था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने बताया कि प्रीवियस अनुसार, उनके अनुसार बोले कि इनसाइड खबर से ये पता चला है कि 2K22 के जो डेवलपर्स हैं वो, मतलब 2K जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड उनको ये, मतलब उनको ऐसा फ्री, मतलब उनका कहना ऐसा है कि प्रीवियसली जो 2K22 उन्होंने बनाया उससे स्टेप अप है 10 times बेटर है 2K23, 10 times, कैन यू इमेजिन 10 times, 10 times बेटर है 2K23 2K22 से, इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एक और चीज़ के मैं बारे में आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था क्रिएशन सूट को लेकर कि एडवांस क्रिएशन आ रहा है क्या। तो एडवांस क्रिएशन गाइस इज नॉट रिटर्निंग, ये उनका कहना है कि एडवांस क्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट हाँ उसमें कुछ मेजर अपडेट्स आने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि माई GM मोड में भी कुछ ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाले हैं जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। एक और बात मैं आप लोग बता दूँ कि मेजर एक न्यूज़ और निकल गया है, इन्होंने बताया कि हम लोगों को न्यू मैच टाइप देखने को मिलेगा एंड वन ऑफ द मैच टाइप ऐसा है जो आप लोगों का फेवरेट एंड आप लोगों के लिए, मतलब हमारा फेवरेट, मतलब कम्युनिटी का फेवरेट है एंड कम्युनिटी विल लव इट। तो मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा या तो स्पेशल गेस्ट रेफरी, बिकॉज सबसे ज़्यादा टॉप में वही था रिक्वेस्ट में कि स्पेशल गेस्ट रेफरी लाओ, स्पेशल गेस्ट रेफरी लाओ। तो अगर हम लोग को कोई मैच टाइप नहीं भी देखने को मिला, एक मैच टाइप भी देखने को मिला तो दैट इज गोना बी अ स्पेशल गेस्ट रेफरी, ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग बताना आप लोग क्या क्या मैच टाइप चाहिए न्यू कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ मेरा काम आप लोगों का फास्टेस्ट अपडेट देने का यहाँ पर, तो मैं 2K23 से रिलेटेड हर एक दिन वीडियो डालता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आप लोग हर टाइप का अपडेट दूँ, लीक्स रूमर हर किस्म का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी करो एंड हम लोग 9K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आपको यहाँ पर मिलेगा 2K23 का इसी तरह का एकदम फास्टेस्ट अपडेट। तब तक के माइस आप लोग को अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, न्यू यूनिवर्स मोड के बारे में कुछ अपडेट आया, साथ ही साथ और कुछ वीडियो आएगा उस वक्त तक अपडेट आ जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तब तक मिलता हूँ गाइस, दिस क्लाउड साइनिंग आउट, लव यू ऑल, पीस आउट। अगर आपको वीडियो पसंद है आप लोग पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दिस क्लाउड साइनिंग आउट, लव यू ऑल, पीस आउट, सी यू सून गाइस, बाय।